भाई यार कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। महीने महीने से लोग आ करके रह रहे हैं, हम लोग एक दिन दो दिन में जाएंगे कौन सा जॉब लग जाएगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही तो जॉब है, वो है सेल्स का, वो मार्केटिंग आउटडोर का। आउटडोर मार्केटिंग जिसको करना है करे, धूप में मरना है मरे, जिसको गर्मी में, बस वही उनके पास एक तो जॉब का विकल्प है। वही सबको बोल बोल के बुला लेते हैं, अब बुला करके रखते हैं। 350 रुपया मेरा बेड स्पेस का लगता है और 250 रुपया महीने का मेरा मतलब इसका लगता है आपको खाने का, तो जोड़ लो ना कितना हो गया। 350 और 250 मतलब 600 रुपया आपको मेरा होता है, और 600 रुपया मतलब महीने का इंडियन रुपीज जोड़ लो, 12,000, 10,30, 11,000, 12,000 आता है। इतना टेंशन नहीं है, वो यार महीने का कितना मांग रहा था, 30,000 रुपया सोच लो, एक महीना खिला के पिला के रखेगा, जॉब लगेगा नहीं लगेगा उसमें कोई टेंशन नहीं। मैं एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं वहाँ पहुँचा तो फीडबैक देखा गया किसी का जॉब लगा नहीं पड़ा है यार, सब लोग पहले से पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से निकल के भागा यार। हटाओ, पैसे इन्वेस्ट करने से कोई फायदे नहीं है, मैं निकल। तो उसको बोलो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पिकनिक पे नहीं आया था 30,000 रुपया या जो भी पैसा रुपया दे करके, यहाँ पे मैं आया था जॉब के लिए, मेरा जॉब लगवाओ वरना मैं वापस पैसा करो मेरा। अब सीधे उसको बोलो फ्रेंकली हो करके, वो वापस करेगा पैसा, साला चोर है साला वो। समझ में आ गया, क्लियर हो चुका। वो सिर्फ अपने वीडियो बना बना के लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को एक्साइटेड करके इधर बुलाता है, इमोशनली सबको अटैचमेंट करता है। वो समझ में आ गया, सब पैसे का खिलवाड़, दूसरों को बोलता है बुरा है, अपने साले वही काम करता है, चोर है साला, उसको बोलो। भाई ये बहुत अच्छा लॉजिक से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा, सच बता रहा हूँ मैं। ये सिर्फ इसका एक बंदा यहाँ पर रूम बुक करता है, बेड स्पेस बुक करता है, होटल में खाना इसका सेटिंग किया हुआ है, खाने में सिर्फ ये चावल, दो रोटियां और सब्जी मंगाता है। एक दिन का खाना का पैसा इतना पैसा नहीं लगता, 15,000 खाना, 15,000 रहने का महीने का नहीं लग रहा है भाई, 400 रुपये बेड स्पेस का महीना लगता है, इंडियन रुपीज हो जाता है 8,000 रुपये, मोटा मोटी मान के चलो 20 रुपये के हिसाब से, 4 × 8,000 रुपया खाना का लगता होगा मुश्किल से भाई आपको महीने का। 200 धरम, 200 धरम नहीं 300 धरम पकड़ लो महीने में भाई, 300 धरम में तबीयत भर के अच्छे से खिलाता है, मैंने पता किया है, जो दिल चाहे वो खाओ। और तो इंडियन का हो गया 3 × 600, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया और 8,000 रुपया, 14,000 भाई, 15,000 रुपया मोटा मोटी पकड़ के चलो खर्चा हो रहा है। एक बंदे से साला कितना पैसा कमा रहा है भाई, ये सोच लो भाई, सिर्फ सोच लो कितना पैसा कमा रहा है ये। मान लो चलो साला ये 65,000 ले रहा है तो 25-20 हजार रुपया मान के चलो इसका लग जाता होगा उसमें वीजा में, 15,000 का टिकट, 20 से 15, 35,000 रुपया, 35,000 रुपया और इधर इसका खर्चा 15,000, 50,000 भाई, एक बंदे से 20-20 हजार रुपया कमा रहा है। सोच लो भाई मेरे कि 50 बंदा लाया, 5,000, 10 लाख, 10 पेटी उसने ऐसे खड़ा कर लिया, अच्छा इनकम कमा रहा है, बहुत अच्छा इनकम कमा रहा है ये, जबरदस्त करके चूतिया बना के पब्लिक को देने में अखरता भी नहीं, आराम से वो पब्लिक अपना बिंदास होकर के दे देता है कि चलो भाई मुझे जॉब लगेगा। अब वापस कोई इससे मांग भी नहीं सकता है पैसा, इसने ठगा तो नहीं है, इसने बुला के रखा आपको, मतलब अच्छा पॉलिसी खेल रहा है, बहुत गुड, बहुत बढ़िया खेल रहा है ये बंदा सबके साथ।